इसलिए जागो, अपने खोए हुए मूल्यों को पहचानो, टूटती हुई परंपराओं को बचाओ, गिरते हुए आदर्शों को बचाओ। यदि तुम ना आगे आए तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। अब तुम्हें पुरुषार्थी बनना है। अभी तुम्हें भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना कि कहीं भगवान आएंगे, फिर से इस धरा के ऊपर भगवान श्री राम जैसी, भगवान कृष्ण जैसी कोई आत्मा आएगी और इस देश का उद्धार कर देगी। तो ये क्यों नहीं मान लेता कि मेरे ही भीतर उस भगवान ने अवतरण लिया है, और यदि मैं न खड़ा हुआ तो बहुत देर हो जाएगी, हम भाग्यवादी हो गए। पुरुषार्थ कहीं मिट गया, संघर्ष कहीं मिट गया। वैदिक दर्शन में, भारतीय संस्कृति में संघर्ष और समर्पण, प्रार्थना और पुरुषार्थ, इन दोनों की महत्ता थी। लेकिन हम प्रारब्ध को ही मानने लगे, पुरुषार्थ को भूल गए। तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो, तुम अपने पुरुषार्थ से अपनी किस्मत बदल सकते हो। अपनी ही किस्मत नहीं, तुम भारत का भाग्य उदय कर सकते हो। तुम अपने सुख दुख के स्वयं कारण हो। और आज देश जिन हालातों में है उसके भी तुम भी जिम्मेदार, क्योंकि तुम भी इस देश में रहते हो, मैं भी इस देश में रहता हूं। मैं इस देश के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि देश मेरा है। मैं कहता हूं कि मैं सन्यासी होने से पहले मैं एक भारतीय हूं, इसलिए मेरे सन्यास धर्म से पहले मेरा राष्ट्र धर्म पहले आता है। देश के प्रति मैं अपने दायित्वों को निभाऊं, उसके बाद में मैं अपने सन्यास धर्म का आचरण करूं। भारत की परंपरा में सन्यासी के लिए विश्व कल्याण की बात की जाती है, लेकिन विश्व कल्याण करने से पहले भारत के सन्यासी को यह भी सोचना पड़ेगा कि मैं अपने देश का कल्याण करूं। इसी तरह से भारत के हर नागरिक को सोचना पड़ेगा कि मैं अपने व्यक्तिगत हितों से पहले अपने राष्ट्र के हित का ध्यान रखूं। भाग्यवादी बनने से काम नहीं चलेगा, पुरुषार्थवादी बनना पड़ेगा। तुम अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म की शक्ति से तुम देश की तकदीर बदल सकते हो, इस भारत की तस्वीर बदल सकते हो। तुम्हारे भीतर इतना दम्य साहस है, इसलिए उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान निबोधता, उठो जागो, स्वाभिमान के साथ इस देश को बदल सकते हो। अब आलसी बनकर के न अप्रमादी न रहो, कर्म करो। राष्ट्रीय संपत्ति का कहीं नुकसान न करना, कहीं हड़ताल न करना। जापानियों की तरह अब तुम्हारे भीतर स्वाभिमान होना चाहिए। हम बात बात में हड़ताल कर देते, बात बात में सड़क पे खड़े हो जाते हैं। हम छोटी सी बात होती है राष्ट्रीय संपत्तियों को नुकसान करने लग जाते हैं, कहीं रेल जला देते हैं, कहीं बस जला देते हैं, कहीं ऑफिसों में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। हम हड़तालों पर बैठ जाते हैं। ये ठीक है कि शोषण नहीं होना चाहिए किसी का भी, लेकिन उतना ही सत्य यह भी है कि कर्म न करना भी उतना ही अपराध है जितना कि किसी का शोषण करना। इसलिए सबको समझ से आगे बढ़ना पड़ेगा, तब समस्याओं का समाधान होगा। हम सब परिस्थितियों को अच्छा बनाएं, सब वातावरण को अच्छा बनाएं, और सबसे पहली बात है अपने पुरुषार्थ को जगाएं। यहां हर आदमी बोली मेरी किस्मत तो खराब है, तो फिर वो पहुंच जाता है किसी रत्नों वालों के पास, वो उसको पहना देता है पत्थर, बोले तू नीलम पहन ले, तू पुखराज पहन ले, तू हीरा पहन ले, तेरी किस्मत बदल जाएगी, तेरी किस्मत चमक जाएगी। याद रखो, भाग्य पत्थरों से नहीं पुरुषार्थ से बदलता है। भाग्य तुम्हारी मेहनत से बदले, और तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें मिलेगा वक्त से पहले, कभी कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, जो तुम्हारी जरूरत है उससे ज्यादा तुम्हारे परमात्मा ने तुम्हें दिया होगा। हमें चारों तरफ सृजन करना होगा, हमारा जो जो दायित्व है हमें उसको निभाना होगा। हमें अपने धर्म की व्याख्याओं को वैज्ञानिक बनाना होगा। श्राद्ध और तर्पण का दिन है तो वृक्ष लगाओ,
उस वृक्ष से जो ऑक्सीजन पैदा होगी उससे तुम्हारे पितर प्रसन्न हो जाएंगे। रक्तदान करो, पर्यावरण की शुद्धि के लिए वृक्ष लगाओ, ये यज्ञ है। नेत्रदान करके जाओ, तुम्हारे मरने के बाद ये शरीर तो राख हो जाना है। भस्मांतम शरीरम, शरीर का परिणाम तो राख हो जाना है। तुम्हारी इस दुनिया के बाद इस सुहानी दुनिया को इन आंखों से कोई देख सकता है, इसलिए नेत्रदान शरीर दान करके चले जाओ। मरने के बाद यह देह किसी के काम आ जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आज इस देश के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा अंधे व्यक्ति हैं, उसमें से करीब 30 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यदि आंखें मिल जाएं तो इस सुहानी दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से केवल 20,000 ही आंखें मिल पाती है। इसलिए चोरी होती है, आंखें किडनी की चोरी होती है, आंखों की चोरी होती है, क्योंकि हमने अपने धर्म को समझा ही नहीं, हमने अपने राष्ट्रीय दायित्व को कहीं समझा ही नहीं। धर्म को मठ मंदिरों की चीज बना दिया, भगवान को मंदिरों में बंदी बना करके रख दिया। धर्म तो तेरे भीतर है, तीर्थ तो तेरे भीतर है, परमात्मा तेरे भीतर है, गुरु तेरे भीतर है, सब कुछ तेरे भीतर है। बाहर के मठों में मंदिरों में भी उन्हीं को शांति मिलेगी जिनका मन शांत है। बाहर भगवान मंदिर में उनको दिखेंगे जिनको भीतर से भगवान मिल गए, जिनको दिव्य दृष्टि मिल गई। इसलिए पहचानो अपने धर्म को, पहचानो अपने कर्म को, पहचानो अपनी प्रतिभा को। अब तो जगा दो अपने भीतर की शक्ति, अब दूसरों पर आश्रित न रहो। हम हर बात के लिए विदेशियों का मुंह ताकते रहते हैं। हिंदुस्तान में कोई बड़ा सा पुल बन जाए, बोलिए किससे बना, बोलिए मल्टीनेशनल्स की मदद से बना। हिंदुस्तान में कोई बड़ी सी सड़क बन जाए, बोलिए किसके सहयोग से बनी, बोलिए मल्टीनेशनल के सहयोग से बनी। एक बहुत बड़ा पार्क देखा मैंने दिल्ली में, बोलिए किसकी मदद से बना, बोले विदेशियों की मदद से बना। जब कोई बड़ा निर्माण का काम हो तो बोले मल्टीनेशनल्स ने किया, और कहीं बम विस्फोट हो जाए तो बोले विदेशी ताकतों का हाथ है। तुम्हारा क्या काम है, तुम किस लिए जीते हो यहां, तुम क्या करते हो यहां पर? और ये मल्टीनेशनल्स कहीं ये रास्ते आदि भी बनाती हैं, पुल आदि भी बनाती हैं, उससे और कई 100 गुना पैसा लेकर के जाती है। आज तक किसी भी मल्टीनेशनल ने राष्ट्र के निर्माण का सृजन का कोई भी काम किया हो तो बताओ? कोई भी ठंडा बेचने वाली कंपनी, कोई भी दवा बेचने वाली कंपनी, कोई भी नमक मिर्च मसाले बेचने वाली कंपनी, साबुन और तेल बेचने वाली, क्रीम और पाउडर बेचने वाली कंपनी, किसी ने भी देश के अंदर कोई बहुत बड़ा शिक्षा संस्थान बनाया हो जहां गरीबों को शिक्षा दी जाती है, कोई बहुत बड़ा चिकित्सा संस्थान बनाया हो जहां पर गरीबों को मुफ्त इलाज किया जाता हो? अपने देश के लोग यदि समृद्ध होते हैं तो उनकी संपत्ति देश के काम आती है। अपने देश के लोगों का वैभव बढ़ता है तो देश भी रहता है। लेकिन इस देश के अंदर भी इतनी गद्दार है। अंग्रेजी गुलामी के समय इस देश की चल अचल संपत्ति खूब लूटी गई, और कुछ संपत्तियां तो ऐसी थी जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी, उनको लूट करके ही लेकर चले गए। जैसे इस देश के अंदर हीरे थे, जवाहरात थे, सोना था, चांदी थी, आज भी इंग्लैंड, हॉलैंड, पुर्तगाल आदि देशों के अंदर इस देश की करीब 50 लाख करोड़ की संपत्ति वहां के म्यूजियम्स में, वहां के आर्काइव्स में संग्रह करके रखी हुई है। और आज तक इस देश ने, इस भारत माता ने शायद कोई ऐसा स्वाभिमानी पुत्र नहीं जन्मा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जाकर के मुकदमा करे कि हमारी भारत की संपत्ति हमें दे दो, ये तो हमारा अधिकार है, हमारा राइट है, किसी से भीख नहीं मांग रहे हम। लेकिन वो भी ना मांग सके। और इस देश के अंदर ही कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं, ऐसे राष्ट्रद्रोही लोग जिन्होंने देश की दौलत को लूटा, और देश की आजादी के बाद इस देश का करीब 40 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंकों में जमा कर।
केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग, इन दोनों की रिपोर्ट ये बताती है, क्योंकि हर एक देश का स्विस बैंक में जो पैसा जमा होता है तो वहां का एक कोड नंबर होता है कि किस देश के पैसा कितना आया अपनी कंट्री के अंदर। तो स्विस बैंक के रिकॉर्ड इस बात को बताते हैं कि इस देश के कुछ राष्ट्रद्रोही लोगों का आजादी के बाद, आजादी से पहले जो देश को लूटा गया उसकी बात अलग है, आजादी के बाद की करीब 40 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, इन दोनों के आंकड़े इस बात को बताते हैं कि देश की दौलत वहां पर है। और देश की मुद्रा का, देश के रुपए का अवमूल्यन हम करते गए। देश जब आजाद हुआ था उस समय रुपए डॉलर पौंड तीनों बराबर थे, लेकिन आज डॉलर की पौंड की कीमत ऊंची। दुर्भाग्य हमारा, यदि हमारा ही पैसा वापस आज भी आ जाए तो आज ही एक दिन में इस देश का रुपए डॉलर और पौंड से ऊंचा हो सकता है। भारत के कुछ लोग आज भी विदेशों में इसलिए पड़े हुए हैं, इसलिए देश को छोड़े हुए हैं, इसलिए अपने वतन से बाहर रह रहे हैं कि वहां पैसे ज्यादा मिलते हैं। वो दिन दूर नहीं जब मैं देखता हूं जिस दिन लोगों का स्वाभिमान जाग जाएगा, उस दिन देश का रुपया डॉलर पौंड से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपके भीतर एक साहस होना चाहिए, एक पुरुषार्थ होना चाहिए। आज हम जड़ हो गए, उठने का नाम ही नहीं लेते। जो देश कभी चरित्र की पूजा किया करता था आज वो चित्रों की पूजा में उलझ के रह गया। जो देश कभी व्यक्तित्व की पूजा किया करता था वो व्यक्ति पूजा पर केंद्रित हो गया। बहुत से लोग मुझसे भी कहते, बोले स्वामी जी हम आपके बड़े भक्त हैं। मैंने कहा क्या करते हो? बोले आपकी आरती उतारते हैं और आपका चित्र हमने घर में लगाया हुआ दीवार पर, उस पर रोज माला पहनाते हैं। मैंने कहा अपने माँ बाप को पहनाते? बोले नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले जीवित है। मैंने कहा मैं मर गया। इस देश के अंदर इतनी जड़ता आ गई, जो चैतन्य की उपासना किया करते थे वो पूरे जड़ हो गए। चित्रों से तो चरित्र का आभास होना चाहिए, उपास्य की उपासना करते करते उपासक के अंदर वो गुण आ जाने चाहिए कि वो वैसा ही हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आओ हम सब जड़ता छोड़ें, दासता की बेड़ियों को अब तोड़े, अपने आलस्य और प्रमाद को छोड़े, अपने पुरुषार्थ से, अपने संघर्ष से इस देश की तस्वीर और इस देश की तकदीर बदल डाले। सुबह प्राणायाम करो, थोड़ा ध्यान करो, इससे आपका मन शांत होगा। आप आत्मदेव से जुड़ोगे फिर राष्ट्रदेव से भी जुड़ते जाओगे। ईश्वर भक्त बनोगे तो फिर तुम राष्ट्रभक्त भी बन जाओगे। आत्म जागरण भी होगा फिर राष्ट्र जागरण भी हो जाएगा। फिर ये देश वो पुराना देश बन जाएगा। फिर मल्टीनेशनल कंपनी इस देश को लूट नहीं पाएंगे। फिर आप अपने पुरुषार्थ से इस देश को विश्व की महाशक्ति बना देंगे। फिर हमें यूएनओ का सदस्य बनने के लिए दूसरों के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। हमारे भीतर इतनी ताकत होनी चाहिए कि दूसरे स्वयं एहसास कर लें कि हम कौन हैं। हम सबकी सोई हुई आत्मा जागे, हम सबकी आत्मशक्ति जागे, हम सबकी राष्ट्र भक्ति जागे। इसलिए मैं आपको योग सिखाता हूं, आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाता हूं। जो भारत के मनीषी करोड़ों वर्षों से तुम्हारी आत्मा को जगाते आए थे वही पाठ मैं दोबारा तुम्हें पढ़ाता हूं। आओ हम सब मिलकर के खड़े हो जाए और दोबारा से वंदे मातरम का उद्घोष करें, दोबारा से इस भारत की खोई हुई आन को और शान को बढ़ाए, भारत की पुराने वैभव को फिर से लौटाए। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, आध्यात्मिक भारत और विकसित भारत का निर्माण आपको और हमें मिलकर के करना अपने पुरुषार्थ से। ईश्वर हम सबको ऐसी शक्ति दे, ऐसी ऊर्जा दे, ऐसी भक्ति दे, ऐसा साहस दे, ऐसा बल दे, जिससे राम और कृष्ण की आत्माएं हम फिर से जाग जाएं, हम फिर से इस देश को विश्व का